दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दावत प्रखंड में बैठक किया। इसमें मंच की अध्यक्षता आशुतोष सिंह ने किया और संचालन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह दावत प्रभारी मनोज सिंह ने किया। इस बैठक में आशुतोष सिंह ने रिजवान अहमद को MD मोहम्मद रिजवान को सर्वसम्मति से दावत का प्रखंड अध्यक्ष चुना है और उन्होंने दावा किया है कि इस बार हमारे पार्टी के नेता जो किसानों के दलितों गरीबों के नेता है शरद पवार, उनको देश के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। दावत प्रखंड में कचकदाओं का बैठक किया गया। इस बैठक में संचालन हमारे जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी, जो दावत प्रखंड का प्रभारी भी हैं, ने किया और सर्वसम्मति से। मनोज जी, किसको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया दावत का? मिस्टर MD रिजवान जी को बनाया गया है। तो ये सब भाई स्वागत कीजिए। MD रिजवान साहब दावत प्रखंड का अध्यक्ष चुने गए हैं और सभी कार्यकर्ता इनको फूलमाला देकर स्वागत किए हैं। और मैं भी आशुतोष सिंह जिला अध्यक्ष रोहतास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फले फूले और दावत प्रखंड में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत बनाए ताकि लोग कहे कि दावत प्रखंड अध्यक्ष जिस तरह मजबूत है उसी तरह संगठन भी मजबूत है, जिस तरह मनोज सिंह मजबूत है उसी तरह संगठन भी मजबूत हो। धन्यवाद। जय दावत, जय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। विक्रमगंज के बगल में दावत प्रखंड में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बैठक किया जा रहा है और दावत प्रखंड के अध्यक्ष का भी चुनाव आज ही किया जाएगा। इसमें दिनारा विधानसभा का प्रभारी हमने बनाया है मनोज सिंह, जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और दिनारा विधानसभा क्षेत्र में दावत प्रखंड, दिनारा प्रखंड और सुरपुरा प्रखंड के प्रभारी भी इनको बनाया गया है। इस कार्यक्रम को हम शुरुआत में तीनों प्रखंड के प्रभारी और दिनारा विधानसभा के प्रभारी मनोज सिंह जिला उपाध्यक्ष को चाहेंगे कि संबोधन करें, उसके बाद फिर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आज बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दिनारा विधानसभा का सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब अच्छे पद पे लोग हैं, उनका आज चुनाव हो रहा है, जिसमें दावत प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मिस्टर MG रिजवान जी हैं, सुरपुरा प्रखंड के वीरेंद्र राम जी हैं और दिनारा प्रखंड के मिस्टर अजय सिंह हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग 2025 दिनारा विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं और कोशिश करेंगे कि सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर आपस में मिलजुल करके चले ताकि हम लोग इस विधानसभा सीट को जीत की तरह निकालें और शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। ऐसे हमारे रोहतास जिला के उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी, जो दिनारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दावत प्रखंड के प्रभारी, दिनारा प्रखंड के प्रभारी और सुरपुरा प्रखंड के प्रभारी हैं, इन्होंने यहाँ बैठक बुलाया है दावत प्रखंड में। हम चाहेंगे कि सर्वसम्मति से दावत प्रखंड का आप लोग नाम प्रपोज करें ताकि चुनाव हो सके। दावत प्रखंड में किसको अध्यक्ष बनाया जाए? रिजवान जी के, MD रिजवान। MD रिजवान साहब आइए, यहाँ ताली से स्वागत कीजिए। ये देखिए MD रिजवान साहब हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए,
और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।